हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हियर। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एट होम। आज के रीडिंग में हम चेक करने वाले हैं कि इस टाइम आपके पर्सन, आपके पार्टनर्स आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनकी हिडन फीलिंग्स, सीक्रेट फीलिंग्स एंड ट्रू इंटेंशंस आपको लेकर क्या है। करंटली वो क्या सोच रहे हैं, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखें रेजोनेट करेगी। ये जनरल है प्लस कलेक्टिव है, तो जितनी रेजोनेट करे उतनी रखें एंड लीव द रेस्ट। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं रीडिंग की ओर। हम लोग चेक करते हैं कि आपके पार्टनर्स करंटली आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। ओके, तो कार्ड निकल के आया है बियॉन्ड इल्यूजन, पास्ट लाइव्स, सेलिब्रेशन। देखिए एंड ओवरऑल एनर्जी बॉटम से निकालूंगी, सिज़ोफ्रेनिया। ये कार्ड्स मुझे ये बताते हैं कि आपके पार्टनर्स ना आपको लेकर काफ़ी पॉजिटिव सोच रहे हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो आप हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर्स हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं। एंड ये पर्सन को कहीं ना कहीं अवेकन हो रहे हैं, समझ आ रही है, अवेयर हो रहे हैं इस बात से कि आप लोगों का रिश्ता बहुत गहरा है, बहुत डीप है, बहुत इंटेंस है। आप लोगों का कनेक्शन पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम्स कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है। अब इस पर्सन को ये अवेकनिंग हो रही है कि आप दोनों के कनेक्शन में ना कुछ स्पेशल है, कुछ ऐसा स्पेशल है जिसको छोड़कर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। एंड इस इनके अंदर एक क्रेविंग सी होने लगी है कि हाँ, अब इस रिश्ते में कंप्लीशन होना चाहिए, इस रिश्ते में रीयूनियन, रिकंसिलिएशन, जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो होना चाहिए। बिकॉज यहाँ पर कार्ड है सेलिब्रेशन का। अगर आप लोग अब तक नहीं मिले हो तो डेफिनेटली इस पर्सन को लगता है कि अब आपको मिलना चाहिए, गेट टुगेदर करना चाहिए, इन्जॉय करना चाहिए, डेट करना चाहिए, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, या फिर आपकी और इनकी वेडिंग फिक्स हो जानी चाहिए। सेलिब्रेशन का कार्ड मुझे एंगेजमेंट का कार्ड भी दिखाई देता है, आप दोनों की एंगेजमेंट हो जानी चाहिए। प्रेजेंट फीलिंग्स इस पर्सन की, तीनों ही कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं। ये पर्सन इस रिश्ते में आपको जजमेंट देना चाहते हैं, बियॉन्ड इल्यूजन जाना चाहते हैं। दैट मीन्स जो भी उनके मन में भ्रम थे, डाउट्स थे इस कनेक्शन को लेकर, वो सारे दूर हो चुके हैं और विद टाइम दूर हो रहे हैं। उनको समझ में आ रहा है कि आप लोगों का कनेक्शन कितना डीप है, कितना गहरा है, आप दोनों का लव कितना सच्चा है। एंड आपको और उनको दोनों को ही एक दूसरे से बेटर कोई नहीं मिल सकता। आप दोनों की कंपैटिबिलिटी इतनी ज़्यादा अच्छी है, तो ये चीज़ उनको समझ में आ रही है। बहुत जल्दी ये पर्सन डेट करना चाहते हैं आपको, आपके साथ एंगेजमेंट करना चाहते हैं, वेडिंग की डेट फिक्स करना चाहते हैं, गेट टुगेदर करना चाहते हैं, फैमिली से बात करना चाहते हैं। फीलिंग्स तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन ओवरऑल अगर एनर्जीज में चेक करूं तो वो सिज़ोफ्रेनिया की है, जो कि मुझे ये बताता है कि इतनी अच्छी फीलिंग्स रखने के बाद भी ये पर्सन कन्फ्यूज़ हैं अपनी लाइफ में। ये पर्सन को नहीं समझ में आ रहा कि जो ये फील कर पा रहे हैं, जो ये समझ पा रहे हैं, उस पर आगे किस तरीके से बढ़े। बिकॉज कोई सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर ये अटके हुए हैं, जहाँ पर ये फंसे हुए हैं। अगर मैं सिज़ोफ्रेनिया के या क्लैरिफिकेशन निकालूं कि ये कहाँ पर फंसे हुए हैं, सो दैट आपको मोर क्लैरिटी मिले, ये कहाँ पर फंसे हुए हैं, क्लैरिफिकेशन ऑफ सिज़ोफ्रेनिया गिल्ट। मुझे लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ कुछ ऐसी बातें की हैं, आपके साथ कुछ ऐसा बिहेवियर किया है, या कुछ ऐसा एक्शन लिया है, या कुछ ऐसा इंसल्टिंग सा, या कुछ ऐसा जो इनको नहीं करना चाहिए था। ठीक है, जो इनको नहीं करना चाहिए था। एंड जब इनको लग रहा है कि ये सब फील कर पा रहे हैं, ये सब समझ पा रहे हैं, ये सब अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, तो इनको कन्फ्यूज़न है कि ये किस तरीके से आगे बढ़ें। दैट मीन्स इनको लगता है कि बहुत शर्मिंदगी, इनको अगर मैं बोलना चाहूँ हिंदी में डायरेक्ट लफ्ज़ों में, तो इनको बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है आपकी तरफ आने में। हो सकता है कभी ये बहुत ईगो से ऑपरेट होकर आपको छोड़ कर चले गए हों, आपके इन्होंने इंसल्ट कर दी हो, आपको बुरा भला बोल दिया हो, या फिर इन एंड आउट कनेक्शन आपका चल रहा हो, लेकिन हाल फिलहाल में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हों एंड आफ्टर डेट इस पर्सन ने काफ़ी टाइम तक आपसे बात ही ना की हो। ठीक है, तो अब इस पर्सन को आपकी इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन सेम वे में ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा है। इनको समझ में नहीं आ रहा कि आगे किस तरीके से आया जाए।
और चेक करते हैं कि आपको लेकर क्या इनकी हिडन फीलिंग्स हैं, आपको लेकर क्या इनकी हिडन फीलिंग्स हैं, सीक्रेट फीलिंग्स हैं, ट्रू फीलिंग्स हैं। तो अबंडेंस का कार्ड है एंड बॉटम से मैं निकालूँ तो हारमनी का कार्ड है। इनके मन में हिडन और सीक्रेट फीलिंग्स ये हैं कि आपके साथ ये मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ ये घर बसाना चाहते हैं, आपके साथ ये अपना परिवार बनाना चाहते हैं। कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो अगेन है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी है, आप हो सकते हो या आपके पार्टनर्स हो सकते हैं। ये पर्सन पहले से काफ़ी ज़्यादा हील हुए हैं आपके कनेक्शन में आने के बाद, आपसे जुड़ने के बाद इनको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समझ में आई हैं, पहले से काफ़ी ज़्यादा ये बैलेंस हुए हैं इमोशनली मेंटली हर तरीके से। तो आप इनका लकी चार्म हो एंड इनकी हिडन फीलिंग्स ये है कि ये आपसे वेडिंग करना चाहते हैं, अबंडेंस इस रिश्ते में अबंडेंस लाना चाहते हैं, अबंडेंट इस रिश्ते को करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कनेक्टिविटी लाना चाहते हैं एंड आपके साथ अपना परिवार देखते हैं, अपना फ्यूचर देखते हैं, हैप्पी फैमिली देखते हैं, ब्लेस्ड फैमिली देखते हैं। और ये इनकी हिडन और सीक्रेट फीलिंग्स हैं। अब आपके मन में कई बार ये क्वेश्चन आता है कि ये पर्सन आपको लेकर सोचते क्या हैं, आपको लेकर इनके मन में क्या इमेज है, ठीक है, वो हम चेक करते हैं। तो आपको लेकर इनके मन में इमेज है एग्जिस्टेंस एंड अवेयरनेस एंड बॉटम से मैं काट लूँ तो आइसोलेशन। आपको लेकर इनके मन में ये इमेज है, फर्स्ट थिंग इज दिस, कि आपने बहुत अपनी लाइफ में दुख झेले हैं, बहुत आपने सेक्रीफाइसेस किए हैं, बहुत आपने स्ट्रगल झेला है। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपको एक बहुत ही बहादुर एंड करेजियस पर्सन के रूप में देखते हैं, जो कि हर एक सिचुएशन से बाहर निकल सकता है या निकल सकती है, जो कि बहुत पॉजिटिव है, बहुत बोल्ड है, बहुत ब्रेव है एंड जो कभी गिव अप नहीं करते। अवेयरनेस का कार्ड मुझे ये बताता है ये पर्सन आपको एक स्पिरिचुअल पर्सन के रूप में देखते हैं, एक धार्मिक पर्सन के रूप में देखते हैं, एक अच्छे मैनिफेस्टर के रूप में देखते हैं, एक ऐसे पर्सन के रूप में देखते हैं जिनकी डिवाइन से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। एग्जिस्टेंस का कार्ड मुझे ये बताता है कि ये पर्सन को पता है कि आप अपनी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आप खुद से बहुत लव करते हैं, सिमिलरली ये पर्सन भी करते हैं एंड डेफिनेटली आपकी जो एग्जिस्टेंस है, आपकी जो स्टेबिलिटी है, आपकी जो ऑरा है, आपकी जो अपीयरेंस है, उसको ये पर्सन बहुत अप्रिशिएट करते हैं एंड ये पर्सन के मन में डेफिनेटली ये चीज़ है कि आपसे बेटर इनको कोई और नहीं मिल सकता। अब हम चेक करेंगे कि ये पर्सन आपको कहना क्या चाहते हैं, आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। गाइज, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है, आपको पसंद आ रही है, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट ऑन दिस रीडिंग, ओके, सो दैट मैं आपकी एनर्जीज नेक्स्ट रीडिंग में और अच्छे से चेक कर सकूं। तो हम चेक कर रहे हैं कि आपको क्या कहना चाहते हैं आउटसाइडर एंड नेक्स्ट कार्ड है ट्रैवलिंग एंड बॉटम में है हमारा साइलेंस। ये आपको कहना चाहते हैं कि थोड़ा टाइम और चुप रहो, थोड़ा टाइम और साइलेंट रहो, क्योंकि एकदम से कुछ नहीं हो सकता। या आपको कहना चाहते हैं कि ये भी आपके लाइफ में एंटर करना चाहते हैं और ये भी आपके रेगुलर हो सकता है स्टेटस चेक करते हों, प्रोफाइल चेक करते हों, पिक्चर्स चेक करते हों, आपके लाइफ में क्या चल रहा है उन चीज़ों में तांग झांक रखते हों, आपको स्टॉक करते हों। या आपकी तरफ ट्रैवल करना चाहते हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, या आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको लेकर सेक्सुअली अट्रैक्टेड हैं, आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं, आप इनको बहुत अट्रैक्टिव लगते हो, बहुत गुड लुकिंग, चार्मिंग एंड ब्यूटीफुल लगते हो एंड डेफिनेटली ये पर्सन चाहते हैं आपको कहना कि थोड़ा सब्र और रख लो, डेफिनेटली ये पर्सन ट्रैवल करके टूवर्ड्स यू बढ़ेंगे एंड आपके गेट पर नॉक नॉक करेंगे एंड डेफिनेटली आप लोगों की बात आगे बढ़ेगी। अब हम चेक करते हैं कि ये पर्सन कब तक नेक्स्ट एक्शन लेंगे और इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, जिसके लिए बहुत सारे लोग क्यूरियस होते हैं। देन हम चेक करेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो ये पर्सन नेक्स्ट एक्शन कब लेंगे, वाओ, नेक्स्ट एक्शन का कार्ड लिया और सक्सेस का कार्ड आ गया। बॉटम से मैं चेक करूँ तो माइंड, देखिए अगर प्रेजेंट की बात करें जो कि इनकी ओवरऑल एनर्जीज है, माइंड का कार्ड आया है, ये बहुत कुछ सोच रहे हैं लेकिन जब उन चीज़ों को प्रैक्टिकली ये करने के बारे में सोचते हैं तो इनको कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, ठीक है, फ्रैंकली स्पीकिंग इन्हें कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। कहीं ना कहीं ये आपसे नज़रें मिलाने में भी झिझक रहे हैं और इनके लाइफ में सिज़ोफेनिया का कार्ड था, अपनी लाइफ में भी इनकी कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सक्सेस का कार्ड ये बताता है कि नेक्स्ट सिक्स डेज में या फिर नेक्स्ट सिक्स वीक्स में आपकी लव लाइफ एक नेक्स्ट स्टेप पे जा सकती है। ये पर्सन आपको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ये पर्सन आपसे मिलने आ सकते हैं, ये पर्सन इस रिश्ते की बात को आगे बढ़ा सकते हैं। तो वेरी लेस टाइम फ्रेम है यहाँ पर, 6 डेज या फिर 6 वीक्स, ओके।
एंड थैंक यू यूनिवर्स लिखना बिल्कुल ना भूलें, जिनको ये रेजोनेट कर रही है और जिनको ये पूरा बिलीव है कि नेक्स्ट 6 डेज और 6 वीक्स में डेफिनेटली उनके लाइफ में ब्यूटीफुल चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि आपको इसके लिए क्या करना चाहिए सो दैट ये इसी टाइम फ्रेम में ये चीज़ें हो जाएं। तो आपको क्या करना है, पॉलिटिक्स का कार्ड पहला आया है, बॉटम में आया है हमारा मास्टर। तो आपको क्या करना है कि ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचना, पॉजिटिव ही सोचना है, नेगेटिव एस्पेक्ट को साइड कर दीजिए और जो आपकी ओवरऑल एनर्जीज हैं मास्टर के कार्ड की, जिसमें आप बहुत इंट्यूटिव हो, बहुत स्पिरिचुअल हो, बहुत धार्मिक हो, डिवाइन में आपका बहुत बिलीव है, बहुत ट्रस्ट है, डिवाइन से आपकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा आप मैच्योर हो, राइट तो आपको लोग क्या कह रहे हैं उनको नज़रअंदाज करके, उनको इग्नोर करके आपको ये सुनना है कि आपका मन क्या कह रहा है, आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है, आपका दिल और दिमाग क्या कह रहा है। ठीक है, तो अननेसेसरली नेगेटिव एस्पेक्ट में मत घुसिए, जो आपकी ओवरऑल एनर्जी है उसको मेंटेन करके रखिए मास्टर की, एंड इस एनर्जी पे आगे वर्क कीजिए। ठीक है, 1 कार्ड 4 फॉर माय सब्सक्राइबर्स एंड माय व्यूअर्स कि उनके लाइफ में क्या है एंड उनको क्या करना चाहिए। द सोर्स, डेफिनेटली सोर्स इज द कार्ड ऑफ कंप्लीशन, सोर्स इज द कार्ड ऑफ यूनिवर्स, सोर्स इज द कार्ड ऑफ सब कुछ वेल सेटल हो जाएगा बहुत सारे लोगों का नेक्स्ट 3 to 4 months में। अगेन थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच डिवाइन, आई रियली अप्रिशिएट दिस रीडिंग एंड आई रियली वेरी वेरी थैंकफुल टू डिवाइन एंड टू यूनिवर्स। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग, इफ यू लाइक डोंट फॉरगेट टू थम्स अप एंड शेयर दिस इन योर ग्रुप, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू डोंट, एंड फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स टू, जिसकी डिटेल्स ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। फ्रॉडुलेंट मैसेजेस एंड कॉल से बचें, जो भी कमेंट बॉक्स में आपको मैसेज करता है वो सभी फ्रॉड हैं, उनके खिलाफ रिपोर्ट कीजिए। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर।